नमस्कार, मैं हूं प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राइवल वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू राइट अ स्टेबलिंग मेमो। स्टेबलिंग मेमो कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेबल क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो ट्रेन है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रेन का क्या होता है कि कभी कभी लंबे समय तक प्रोग्राम नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कभी कभी यार्ड कंजेशन होता है, या फिर सेक्शन पूरा गाड़ियों से भरा पड़ा होता है, बंचिंग होता है, और गाड़ियों को जैसा कि चलाया जाता है तो उनके प्रायोरिटी के हिसाब से चलाया जाता है। कभी कभी सेम ट्रेन जो होती है उस सेक्शन में दो तीन या फिर कभी कभी तीन से ज़्यादा ट्रेनें भी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी ट्रेन का जो प्रोग्राम होता है यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रोग्राम, कभी कभी उसको टाल दिया जाता है, क्योंकि सेम ट्रेन जो है वो आपसे आगे भी गई है और आपके पीछे भी हो सकती है, ऐसा भी होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका सेक्शन कंट्रोलर होता है वो थ्रू ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के थ्रू एक ऑर्डर नंबर देता है और आपसे कहा जाता है, यानी कि आप ट्रेन मैनेजर और जो लोको पायलट होते हैं यानी कि क्रू होते हैं, तो आपसे ये कहा जाता है कि ऑर्डर नंबर इतना है और आपकी ट्रेन जो है वो शट डाउन हो जाएगी और इसी पर्टिकुलर स्टेशन यार्ड में लाइन नंबर आपका जो ट्रेन है जिस पर्टिकुलर लाइन में है तो उसी लाइन में आपकी ट्रेन शट डाउन हो जाएगी और स्टेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ट्रेन को स्टेबल करते हैं, स्टेबल करने के बाद स्टेबलिंग मेमो लिखा जाता है, तो वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज है 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पहला पाठशाला होता है वो हमारा घर होता है, तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी और पापा यानी कि हमारे माता और पिताजी को चरण स्पर्श, और साथ ही साथ घर से जुड़े हमारे दादा और दादी जी, ताऊ और ताई जी, और जो हमारे भाई बंधु हैं उन सभी को मेरा हार्दिक शुक्रिया, हार्दिक अभिनंदन, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। साथ ही साथ उन तमाम गुरुजनों जिन्होंने मुझे वो ज्ञान दिया, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पे हैं, आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, या फिर जिस मुकाम पे आज हैं तो उन्हीं के बदौलत हैं, तो उनको भी मेरा हार्दिक शुक्रिया, तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे लाइफ से जुड़े, हमारे ज़िंदगी से जुड़े उन तमाम मेरे भाइयों और बहनों जिनके थ्रू, या फिर या तो वो छोटे हों या फिर बड़े हों, जिनके थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला या फिर आगे भी सीखने को मिलता रहेगा, तो उन सभी को मेरा हार्दिक स्वागत है और उनका हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ एक बात और है कि जैसा कि ये मेरा मानना है कि हम जो मनुष्य होते हैं वो जिंदगी भर एक एज अ स्टूडेंट ही रहते हैं, क्योंकि हम डेली डेली बेसिस पे हम डेली कुछ ना कुछ नया चीज़ हम सीखते रहते हैं, बशर्ते कि आप में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जानने की इच्छा होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो एक बात और है कि जिज्ञासा जो होता है वो आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। अगर आप में कौतूहल नहीं है, जानने की इच्छा नहीं है, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। तो उस जिज्ञासा को बनाए रखिए और डेली कुछ नया सीखते रहिए। तो आज हम नया सीखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू राइट अ स्टेबलिंग मेमो। तो एक स्टेबलिंग मेमो कैसे लिखा जाता है, तो वो तो बाद में लिखते हैं, सबसे पहले उस ट्रेन को जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं उसको स्टेबल किया जाता है। कब किया जाता है इसका डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। और ये जो स्टेबल करने का जो तौर तरीका है, जो रूल और रेगुलेशंस है अकॉर्डिंग टू GR एंड SR, वो कभी कभी वैरी भी करता है डिवीजन टू डिवीजन या फिर जोनल बेसिस पे, क्योंकि मेरा जो वर्किंग है वो ACR में है और SECR में भी है और ईस्ट कोस्ट रेलवे में भी है। तो यही डिस्कशन मैं अपने SECR के काउंटर पार्ट के साथ मैं कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि उनका स्टेबलिंग करने का तरीका जो है वो अलग है, मतलब जो काम करना होता है वो तो सेम ही होता है, लेकिन उसमें कौन कौन स्टाफ जो होंगे वो इंगेज होंगे वो कभी कभी वैरी करता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं अपना लास्ट ड्यूटी का रेफरेंस आपको देना चाहता हूँ। तो मेरा जो लास्ट TO था वो 4 सितंबर को 16:30 शाम में था, और जो हमारे एसोसिएटेड क्रू थे उनका TO था 1750 उनका हेडक्वार्टर था राउरकेला और मेरा हेडक्वार्टर
झारसुगुड़ा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि हमारा हेडक्वार्टर क्या है और हमारा डिवीजन क्या है। तो हमारी ट्रेन स्टार्ट होती है और जो कल का जो हमारा जो टीओ था वो था डाउन टीओ, यानी कि झारसुगुड़ा टू राउरकेला हमें ट्रेन पहुंचानी थी। बीच में एक स्टेशन पड़ता है जीपी, यानी कि राजगांवपुर। राजगांवपुर में हमारा तो 12 घंटा ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ जो हमारे एसोसिएटेड क्रू थे उनका 10 घंटा ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि उस सेक्शन में मैं कल जा रहा था तो मालूम चला कि हमारे आगे भी मतलब हमारा जो ट्रेन था वही सेम ट्रेन हमारे आगे आगे भी जा रही थी, कुछ स्टेशन आगे थी और वही ट्रेन पीछे भी थी। तो कभी कभी क्या होता है कि सेम ट्रेन जो होता है ना वो 100 किलोमीटर के सेक्शन में, 150 किलोमीटर के सेक्शन में दो या तीन या फिर कभी कभी तीन चार ट्रेनें भी होती है। तो उस कंडीशन में चारों अगर जितने भी ट्रेन होंगे सेम ट्रेन तो उन सब का डेस्टिनेशन तो सेम ही होगा, तो उसमें किसको पहले लेना है तो ये डिसाइड करते हैं कंट्रोलर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड्स ट्रेन या फिर कोई भी ट्रेन हो उनको प्रायोरिटी बेसिस पे चलाया जाता है। तो हमारा ट्रेन का जो प्रोग्राम है, जीपी तो हम लोग पहुंच गए थे, यानी कि राजगांवपुर हम लोग पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ट्रेन से पहले भी एक हमारा जो ट्रेन का नंबर था वही सेम ट्रेन जो है आगे जा चुकी थी और हमारा जो ट्रेन था उसका वेमेंट भी नहीं हुआ था, यानी कि उसका वजन भी नहीं हुआ था कि उसमें कितना माल जो है वो लोड है। तो विदाउट वेमेंट आ रहा था और जब भी कोई ट्रेन विदाउट वेमेंट जाती है तो उसमें स्पीड लिमिट होता है 40 km/h का लिमिट था। हमारा जो ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड था क्योंकि वो विदाउट वेमेंट थी तो हमारी जो ट्रेन थी उसका जो लिमिट था वो 40 km/h। तो हमारी ट्रेन जो है एनी हाउ राजगांवपुर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद हमें ऑर्डर नंबर दिया जाता है कि आपका ट्रेन शटडाउन होगा। शटडाउन होने के बाद आपकी ट्रेन को स्टेबल किया जाएगा, मतलब आप लोग करेंगे। तो स्टेबल अकॉर्डिंग टू SR 5.2301, ये GR का 5.23 है और SR जो है 5.2301। तो इसमें मतलब साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो भी इनकमिंग असिस्टेंट लोको पायलट होंगे और जो ट्रेन मैनेजर होंगे वो क्या करेंगे कि जो ट्रेन मैनेजर होंगे वो इंक्लूडिंग ब्रेक वैन को लेकर के 6 और वैगन, यानी कि टोटल 7 हो गया। तो ब्रेक वैन को अगर हम काउंट करते हैं तो 7 वैगन को ब्रेक वैन से मतलब ब्रेक वैन में तो हैंड ब्रेक आपको टाइट करना ही है और साथ ही साथ यानी कि पिन डाउन करना है, हैंड ब्रेक टाइट करना है और साथ ही साथ इसके अलावा 6 वैगन, और जो असिस्टेंट लोको पायलट होंगे वो इंजन साइड से वो 6 वैगन का जो हैंड ब्रेक होता है वो पिन डाउन करेंगे, यानी कि वो हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे और इस तरीके से। लेकिन यही जो रूल है ना, ये ACCR में जो हमारे काउंटर पार्ट हैं उनसे मैंने पूछा तो वो बोले कि हमारे यहाँ असिस्टेंट लोको पायलट और जो ट्रेन मैनेजर होते हैं वो हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं करते। हाँ, ट्रेन मैनेजर जो होंगे वो अपने ब्रेक वैन का अप्लाई जरूर करेंगे लेकिन वैगन का नहीं करते हैं, वहाँ का स्टेशन स्टाफ जो होता है वो सारा कुछ करता है। तो ये जो है GR और मतलब GR तो पूरे इंडियन रेलवे में लगभग सेम ही है लेकिन SR जो होता है वो कभी कभी जोनल बेसिस पे या फिर डिविजनल बेसिस पे वेरी करता है। तो उनका नियम ये है, उनका मतलब ACCR में क्या है कि जो भी स्टेशन के स्टाफ होते हैं वही हैंडब्रेक भी अप्लाई करेंगे और जो आयरन का जो स्किड होता है जिसको हम समटाइम्स वेजेस भी कहते हैं, आयरन का स्किड या फिर वुडन का स्किड, और जो सेफ्टी चेन होता है आगे तरफ से भी अप्लाई किया जाता है और पीछे तरफ से, यानी कि ब्रेक वन साइड से भी अप्लाई किया जाता है, और आगे से 2 स्किड और पीछे से 2 स्किड ऐसा लगाया जाता है। तो वो सारा का सारा काम वहाँ के स्टेशन स्टाफ करते हैं लेकिन हमारा जो डिवीजन है चक्रधरपुर में वो अकॉर्डिंग टू SR 5.23.01 इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो इनकमिंग असिस्टेंट लोको पायलट होंगे और जो ट्रेन मैनेजर होंगे वो ब्रेक वैन को लेकर के सात वैगन, यानी कि हाँ 7 वैगन का हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे और जो असिस्टेंट लोको पायलट होंगे वो 6 वैगन का हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे और इंजन तो शटडाउन हो ही जाएगा। इसके एवज में आपको ऑर्डर नंबर दिया जाता है थ्रू ऑन ड्यूटी SM, और ये ऑर्डर नंबर देते हैं जो आपके सेक्शन कंट्रोलर होते हैं ऑन ड्यूटी वही देते हैं। तो हमारा जो ट्रेन है वो स्टेबल कर दिया गया
और स्टेबल करने के बाद जो मतलब हमारा काम यही होता है कि वैगन में हैंड ब्रेक अप्लाई करना। लेकिन एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि अगर आपकी ट्रेन में 12 वैगन है तो टोटल में क्या होगा, हैंड ब्रेक अप्लाई होगा 12 वैगन या 12 वैगन या फिर उससे कम तो टोटल में हैंड ब्रेक अप्लाई होगा। लेकिन अगर 58 है या फिर 59 है प्लस 1 है तो उसमें क्या होता है कि इंजन साइड से 6 वैगन और ब्रेक वैन साइड से 6 वैगन और हैंड ब्रेक में तो और ये ब्रेक वैन में तो आपको अप्लाई करना ही है। तो इतना काम आपको करना होता है। उसके बाद जो स्टेशन के जो स्टाफ होते हैं यानी कि पॉइंट्समैन होते हैं वो आयरन का स्किड या फिर वुडन स्किड लगाएंगे, उसके बाद सेफ्टी चेन को बांधते हैं और सिक्योर करते हैं। तो ये होता है प्रॉपर आपका स्टेबल करने का तरीका। उसके बाद आपका ट्रेन शट डाउन हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। उसके बाद आप जाते हैं स्टेशन पैनल में और वहां पे आपको एक मेमो लिखना होता है। मेमो में आप लिखेंगे टू द ऑन ड्यूटी सेक्शन कंट्रोलर और जो आपका डिवीजन है वो लिखेंगे। जैसे मेरा सीकेपी है तो मैं लिखूंगा टू द ऑन ड्यूटी सेक्शन कंट्रोलर सीकेपी। रिगार्डिंग क्या क्या है वो आपको लिख देना है, रिगार्डिंग एस्टेब्लिशिंग ऑफ द ट्रेन नंबर ये। उसके बाद आपको लिखना होता है इट इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एज पर योर ऑर्डर नंबर द फॉलोइंग ट्रेन हैज बीन शट डाउन एंड अस्टेबल इन स्टेशन का मतलब जिस स्टेशन में आपका गाड़ी जो है स्टेबल हुआ है उस स्टेशन का नाम लाइन नंबर लिख देंगे। हाँ तो वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे द फॉलोइंग वैगन्स हैज बीन पिन डाउन। उसके बाद एक तरफ आप लिख देंगे फ्रॉम बीबी साइड और दूसरे तरफ फ्रॉम इंजन साइड और जिस वैगन में आपने हैंड ब्रेक अप्लाई किया है वो सारा का पार्टिकुलर आपको वहां पे लिखना होता है इंक्लूडिंग ब्रेक वैन। उसके बाद आपका सिग्नेचर होगा साइन ऑफ ट्रेन मैनेजर एंड साइन ऑफ लोको पायलट। इतना कुछ लिखने के बाद आपको रिसीविंग करवा लेना है जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। तो ये होता है प्रॉपर स्टेबल करने का तरीका। और जो स्टेबल करने के बाद जो हम मेमो लिखते हैं एस्टेब्लिशिंग मेमो, ये प्रॉपर तरीका होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय रेल।